मगध सम्राट श्री सुदर्शन व्यास जी के बड़े भैया सत्येंद्र सिंह जी के धर्म पत्नी स्वर्गीय सियामणि देवी जी का निधन हो चुका है और उनके श्राद्ध कार्यक्रम में हम लोग सभी उपस्थित हैं। हम लोग सभी जानते हैं यह दुख का घड़ी है, दुख और सुख जीवन में दो ही है। कहा गया है कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है, तो अभी ये हम सभी लोग जानते हैं कि जो यहाँ इस धरती पर आया है, इस माया के जंजाल में जो जन्म लिया है, उसको एक दिन निश्चित जाना है। तो हम लोगों के बीच से स्वर्गीय सियामणि देवी जी गुजर चुकी हैं और उन्हीं के साथ कार्यक्रम में हम लोगों के बीच तमाम उपस्थित अतिथि, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यह कलाकारों का मंडली है, हम लोग हर जगह जाते हैं किसी एक कलाकार को सुनने के लिए, लेकिन यह हम लोगों का सौभाग्य है, यह ग्राम खोखड़ी के सौभाग्य है कि हमारे इस धरती पर मगध सम्राट सुदर्शन व्यास जी जैसा बेटा जन्म लिया, जो एक जगह नहीं सब लोग जगह जा करके अपना पत्तन को लहराए हैं और उनके द्वार पर सब लोग आकर एक साथ हम लोगों को, हम चाहेंगे या तो ईश्वर का लीला है, विमना है कि जो आया है जाना है, अब वो चली गई है, इसलिए हम लोग सभी जहां है वहीं खड़ा होकर दो मिनट को शोक कार्यक्रम उनके याद में हम लोग शोक सभा का आयोजन कर ले और यहीं से हम लोग उनके आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। दो मिनट अतिथियों से आग्रह करेंगे बारी बारी से कि हम लोग जिस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं उसका भागी बने, उसमें योगदान दें। अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच उपस्थित हैं श्री रामेश्वर चौधरी जी, प्रदेश महासचिव राजद वावे, और दो शब्द खोखड़ी ग्राम में उपस्थित कलाकार साथियों, उपस्थित भाइयों, हाड़ मांस का बना शरीरा मिट्टी में मिल जाएगा, रह जाएगा अमर कीर्ति, जन जन में गाया जाएगा, जन जन में गाया जाएगा। एक आदर्श मां ये सियामणि देवी एक ग्रामीण परिवेश में रहकर अपने बेटा को भारत सरकार की नौकरी में भेजने का काम की, एक बेटा बिहार सरकार में जॉब में भेजने के काम की। इतना ही नहीं बंधु, आपका जो मगध सम्राट सामने है, जिनका घर इसी ग्राम खोखड़ी में है और गायकी के क्षेत्र में मगध सम्राट कहा जाता है, वह सियामणि देवी का भी सहभागिता है, जिसके कृपा से हमारे मगध सम्राट सुदर्शन भाई जैसे कलाकार आज ये उपस्थित है और उनका आत्मा जहाँ कहीं भी आज गदगद हुआ हो रहा होगा सियामणि जी का कि मेरा एक लहुरा देवरवा आज नाम कर रहा है, एक भौजाई का जो आदर्श रूप प्रेस करके चले गए, इसके लिए हम जो है पुष्पांजलि करना चाहता हूँ। एगो माला दीजिए भाई और अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर चौधरी जी, सच ही कहा इन्होंने, कहा कि देवर भाभी का जो रिश्ता होता है, सच में सुदर्शन व्यास जी साबित कर दिए कि आप इस दुनिया से चले गए, लेकिन हम आपके जाने के बाद भी आपके इस साथ कार्यक्रम में अपना पूरा तन मन धन लगाकर आपके आप को सब लोगों के बीच रखने का काम किया। अब हम चाहेंगे रामेश्वर चौधरी जी से कृपया थोड़ा है और आपको मगध सम्राट
हमारे सतेंद्र भैया आपको अंग वस्त्र से सम्मानित करेंगे। अब हम लोगों के बीच उपस्थित है निर्भय सिंह वरिष्ठ नेता राजद आवे, इनको भैया हम वक्त से सम्मानित करें जोरदार ताली। अब हम लोगों के बीच उपस्थित है शंभू यादव नगर परिषद अध्यक्ष राजद, वो भी आवे। जोरदार ताली। अब उपस्थित है रविंदर कनौजिया जिला प्रवक्ता यादव महासभा अरवल, वो भी आवे भैया से स्वागत करें। हम लोगों के बीच उपस्थित है धर्मेंद्र यादव मुखिया प्यारे चेक पंचायत, आगे रंजन यादव प्रखंड महासचिव राजा, अमरेश कुमार मंडल अरवल प्रखंड मीडिया प्रभारी राजा, अमरेश कुमार मंडल अरवल प्रखंड मीडिया प्रभारी राजा। आगे स्क्रीन में तारकेश्वर यादव पैक्स अध्यक्ष सिकरिया पंचायत रोड से चलकर हम लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं तारकेश्वर यादव जी कटिया पैक्स अध्यक्ष भैया जोरदार ताली। हम लोगों के बीच बहुत दूर दूर से चलकर उपस्थित हैं हम लोगों के अतिथि आगे उपस्थित है हम लोगों के बीच राम छपी जी पूर्व सरपंच अभिल, वो भी आवे। जोरदार ताली। अधेश यादव, अधेश यादव क्यों नहीं कुटी नेताजी व्यास रंजन यादव नक्का दिया, व्यास रंजन यादव नक्का दिया। हम लोगों के बीच उपस्थित है महावीर यादव व्यास जो झारखंड से चलकर आए हैं इधर भैया। हम लोगों के बीच उपस्थित है सिरजानंद पांडे भैया जी जो औरंगाबाद से चल कर आए हैं। विजेंद्र बैरागी यादव, व्यास प्रमोद यादव आदन विभाग, मंगलम यादव व्यास चक्रवर्ती कुमार यादव व्यास, आइए ये तो हम लोगों के जाने माने हैं व्यास प्रमोद यादव जो साजन व्यास चल कर रहे हैं। जोरदार ताली। आगे चक्रवर्ती कुमार यादव व्यास जी रंजीत गजब।